गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फाइव के लिए हमारा समाज, ये हमारा 20वां लेसन है और ये अंतिम अध्याय है। तो 20वें लेसन का नाम है स्वतंत्रता के संघर्ष में महात्मा गांधी का योगदान। इसके पहले हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, यानी 1857 की क्रांति जो कि मेरठ के छावनी नगर में हुआ था, वहाँ पर, यानी सबसे पहली क्रांति, भारत के आज़ाद कराने के लिए जो पहली क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी, मेरठ में। और किस सन में, सन 1857 में। 1905 में उसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, साथ ही साथ सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी ये सब बातें हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अब हम लोग इसमें, यानी 20वें लेसन में, स्वतंत्रता के संघर्ष में महात्मा गांधी का योगदान, इसके बारे में संक्षेप में हमने महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पिछले अध्याय में पढ़ा था। जैसे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, यानी स्वतंत्रता के संग्राम में नेतृत्व किया था पूरा स्वतंत्रता संग्राम का करीब 30 वर्षों तक। इसके अलावा वो वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। अब जब वहाँ से, यानी दक्षिण अफ्रीका से वे वापस आए थे, उसके बाद की स्थिति का वर्णन, यानी वो दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे तो वहाँ के देशों का वर्णन, मतलब यहाँ भारत का वर्णन किया था। तो आइए ये देखते हैं। महात्मा गांधी वकालत पास करने के बाद वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसके पहले अध्याय में हमने थोड़ा बहुत जानकारी भी प्राप्त की होगी कि रंगभेद नीति, यानी काले गोरे का फर्क, ये करके लोगों में भेदभाव किया जाता था। अगर हिटलर के बारे में बच्चों को जानकारी होगी तो उन्होंने भी इस प्रकार से नेतृत्व किया था कि उन्होंने भी यहूदियों और नाजी में ये, मतलब नीति अपनाई थी, रंगभेद नीति अपनाई थी। अब वहां उन्होंने भारतीयों को अधिकार दिलवाए। भारत वापस लौटने पर गांधी जी का हृदय देशवासियों के प्रति दया से भर गया, क्योंकि यहाँ की स्थिति, यानी दक्षिण अफ्रीका से भी दयनीय स्थिति भारत की थी। तो भारत के लोगों को देखकर उनका मन उनके प्रति करुणा से, दया से भर गया। अंग्रेजों के अन्याय और कठोर व्यवहार ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। उन्होंने भारत के सभी क्षेत्रों का दौरा किया, इसमें उन्हें भारतवासियों की समस्याओं को समझने का मौका मिला। सही बात है, हम किसी भी गरीब मनुष्य, यानी किसी भी जाति के बारे में तभी जान सकते हैं जबकि जब हम उस जाति के साथ जुड़े, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऊपरी तौर पर जाकर एक बार घूम कर चले आए और उसकी कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। तो यही गांधी जी ने किया था कि वो प्रत्येक के पास गए और वहां उनकी कठिनाइयों का जाना और समझा। गांधी जी ने अनुभव किया कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ सामाजिक बुराइयों से लड़ना भी आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में रीति रिवाज, कुरीतियों आदि, इन सब के कारण हमारे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, ऊंच नीच, हम बड़े हैं, वो छोटा है, रंग भेद, इसके आधार पर, स्पेशली जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा भारतवर्ष में भेदभाव किया जाता है। और इसका अनुभव गांधी जी को हुआ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। गांधी जी ने जात पात के भेदभाव और छुआछूत को मिटाया। पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। महिलाओं की दशा सुधारने का में उनका प्रयास सराहनीय रहा। किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा सुधारने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। नशाबंदी, एक राष्ट्रभाषा भी उनके सुधार कार्यक्रम में शामिल थी। आज़ादी की लड़ाई के साथ गांधी जी समाज सुधार के कार्य में भी पूरी तरह लगे रहे। यानी यहाँ पर महात्मा गांधी के कार्य संक्षिप्त रूप में बता रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने भारत को आज़ाद कराने के साथ साथ समाज में सुधार लाने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए, किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किया था, इसका संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने कानून बनाकर भारतवासियों की आज़ादी पूरी तरह छीन ली। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा भी था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थी, लेकिन भारतवासियों ने इससे उनका सहयोग किया कि वे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत छोड़ देंगे,
लेकिन उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया और उन्होंने भारत नहीं छोड़ा। इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत पर अनेक, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत को और ज़्यादा कानून लागू कर दिए, उनकी आज़ादी पे और ज़्यादा बंदिशें लगा दी। मामूली बातों के लिए भारतवासियों को पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता था। इसके लिए उन्हें कड़ी सजाएं दी जाती थी। यानी अपने कंट्रोल, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, यानी पूरे भारतवर्ष में पूरी तरह से क्रांति की लहर दौड़ गई थी। अब उसमें ब्रिटिश शासन को अपना कब्जा जमाए रखना, यानी भारत पर अपना कब्जा जमाए रखना मुश्किल लग रहा था। इसीलिए वो छोटी से छोटी बातों पर भी लोगों को पकड़कर जेल में डाल देती थी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देती थी। इसका एक उदाहरण हम लोग पिछले अध्याय में भी देखा था, खुदीराम बोस का, जिन्हें 15 वर्ष की अल्प आयु में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। भारतीयों को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार भी नहीं था। भारतवासियों को आशा थी कि विश्व युद्ध समाप्त होने पर सरकार कठोर कानून रद्द कर देगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने भारत से ऐसा वादा किया था कि वे विश्व युद्ध समाप्त होते ही यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। साथ ही साथ भारतवासियों को ये भी उम्मीद थी कि जो उन पर कठोर कानून लागू किए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा, भारत के लोगों को सरकार में शामिल किया जाएगा। युद्ध के बाद सरकार ने अन्याय बढ़ा दिए, बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में बंद किया जाने लगा, जनता ने जुलूस निकालकर ऐसे कानूनों का विरोध किया। इसके पहले हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि गांधी जी लोगों के बीच में जाकर उनकी कठिनाइयों का सामना करते थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सिफारिश ब्रिटिश अधिकारियों से किया था कि ब्रिटिश शासन में भारतीय लोग उसमें हों, तभी वे अपनी कठिनाइयों को सरकार तक रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1905 का बंगाल विभाजन भी किया था। लेकिन 1911 में उन्हें यह आदेश वापिस लेना पड़ा बंगाल विभाजन का। अंग्रेज अधिकारी जनसभा और जुलूसों को कठोरता से रोक रहे थे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में स्त्री पुरुष और बच्चे शांति से सभा कर रहे थे। यहाँ लगभग 20,000 लोग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या वहां पर एकत्रित थी। कहां पर? जालियांवाले बाग में शांति से वो सब अपने विचार एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। जनरल डायर, नाम ध्यान रखिएगा, जनरल डायर। और ये प्लांट कहाँ हुआ था? जालियांवाले बाग में, जो कि पंजाब में स्थित है, जालियांवाले बाग में। हाँ, तो जनरल डायर नामक क्रूर अंग्रेज अधिकारियों ने सैनिकों के साथ बाग को चारों ओर से घेर लिया। उसने सभा में बैठे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस हत्याकांड ने हजारों निर्दोष और शांति प्रिय नागरिकों के प्राण ले लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने समूचे देश के लोगों को दुखी बना दिया। समस्त भारतवासी इस दुर्घटना को सुनकर क्रोध से भर गए। यानी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी कि लगभग 20,000 लोगों की जान अकेले जनरल डायर ने ले लिया था, जो कि जालियांवाला बाग के अंतर्गत हुआ था। इसके आदि का अध्याय हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्लास 5 के लिए हमारा समाज, ये 20वां अध्याय है। स्वतंत्रता के संघर्ष में महात्मा गांधी का योगदान, पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने क्या क्या जाना था, ये आइए संक्षेप में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने महात्मा गांधी के बारे में जाना था, उनके नाम यानी मोहनदास करमचंद गांधी, उनके कार्य, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, कृषि, किसानों से, मजदूरों से, छुआछूत से संबंधित, भेदभाव से संबंधित, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी, वकालत कहाँ से पास किया था, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब उसके बाद हमने पढ़ा था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें शांति से करीब 20,000 लोग वहाँ बैठकर शांति से सभा कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर नामक व्यक्ति ने, यानी अंग्रेजी शासक ने, अधिकारी ने, शासक नहीं कहा जाएगा, अधिकारी ने 20,000 लोगों निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी, जिसके कारण
वहां पर करीब 20,000 लोगों की हत्या हो गई, यानी वे सब मारे गए थे। अब हम लोग इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का अर्थ ये होता है, यानी किसी भी प्रकार का सहयोग ब्रिटिश शासन के साथ न करना, वो था असहयोग आंदोलन। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता या सहयोग ब्रिटिश शासन के पास यानी भारतीयों के द्वारा न किया जाना ही असहयोग आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर ध्यान दिया गया था कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का पालन करते हुए, हिंसा ना नहीं बच्चों, अहिंसा का पालन करते हुए उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। तो गांधी जी ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। लाखों लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। भारतीयों ने सरकारी नौकरियों पर लात मार दी। इसके पहले हमने पढ़ा था स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे तो एक पढ़ा था हमने स्वदेशी आंदोलन के बारे में। उसमें देश के लोगों ने स्वदेशी यानी विदेशी वस्तुओं को आग में जला दिया था। ठीक उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन में विदेशी नौकरियों को लात मार दी गई थी। छात्रों ने स्कूल और कॉलेज त्याग दिए। सरकार इस आंदोलन को कठोरता से दबाने पर लग गई। चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता ने पुलिस के विरोध में हिंसा का सहारा लिया। ध्यान होगा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा का पालन करने के लिए किया था, लेकिन चौरी चौरा नामक स्थान पर अहिंसा, हिंसा का प्रयोग हो गया था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता ने पुलिस के विरोध में हिंसा का सहारा लिया। थाने में आग लगा लेने देने से कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन रोक दिया। गांधी जी हिंसा का जवाब अहिंसा से देना चाहते थे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ, ये मुख्य बिंदु है, ध्यान से देखिएगा और इसे हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास आदि ने भी भाग लिया। यानी चौरी असहयोग आंदोलन के लिए इन लोगों ने गांधी जी का सहयोग दिया था, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी आजादी की लड़ाई के साथ समाज के कार्यों में भी लगे रहे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वे स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ समाज सुधार भी करते रहे। 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने शासन में सुधार लाने के लिए साइमन कमीशन भारत भेजा। इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को नहीं रखा गया। इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा यहीं से मिला। और कहा जाए कोई विवादपूर्ण बात नहीं होगी कि अगर कोई मेरी कठिनाइयों को जानना चाहता है और मेरे पास आकर मेरे मुझसे समस्या ना पूछे और वैसे ही जाके किसी को डिटेल दे दे तो उसके साथ अन्याय ही होगा। तो यही साइमन कमीशन ने किया। साइमन कमीशन का जब एक गठन हुआ था तो उसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से भारतीयों की कठिनाइयों को ब्रिटिश शासन के लिए जानना असंभव हो गया। भारत में आजादी की लड़ाई जोरों के साथ चल रही थी। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब फिर से यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की बात आ जा रही है, तो इसका ध्यान से देखिएगा कितने में हुआ था, सर 1885 ईस्वी में। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में, वर्तमान मुंबई, लेकिन उस समय का बम्बई था। इस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। अपनी सत्य बात को शांति से मनवाने का आग्रह सत्याग्रह कहलाया।
यानी अपनी बात को, अपनी सत्य बातों को आग्रह के साथ पूर्ण करना सत्याग्रह कहलाया। देश भर में प्रदर्शन और हड़तालें की गई, विदेशी माल का त्याग कर दिया गया, जनता ने सरकार को कर देना बंद कर दिया, किसानों ने लगान नहीं दिया। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन के नेता थे, उन्होंने दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजों को यह बता दिया कि भारतवासी अब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करेंगे। महिलाओं ने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया, पुलिस की लाठियां झेली और जेल गई, अंग्रेजों की मार से घायल देशभक्तों की देखभाल की। अंग्रेजों ने सत्याग्रह आंदोलन को कुचल डालने के लिए लोगों को जान से मार डाला, लाखों निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में इस आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया। नागालैंड में रानी गदनलियो ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का संख फूंक दिया। दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने वेद नाराज रानियम सत्याग्रह का मार्गदर्शन किया। देश के प्रत्येक भाग में आंदोलन फूट पड़ा, स्वदेशी आंदोलन ने बल पकड़ा। चरखों पर सूत काटकर खादी बनाने का काम खूब चला, हथकरघों पर खादी बनने लगी, भारत में बने माल का उपयोग बढ़ गया। यानी यहाँ पर ये बात फिर से आ गया कि जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी, मैंने इसके पहले भी बताया था कि 1857 की क्रांति वो एक जगह, मतलब हमारे भारतवर्ष में कई छोटे छोटे जगह पर हुआ था, किसी पर एक पूरे एक साथ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो 1857 की क्रांति निष्फल हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब ये आंदोलन चला, यानी सत्याग्रह आंदोलन चला, तो यहाँ पर पूरी तरह उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण यानी चारों दिशाओं से एक साथ उसकी लहर दौड़ पड़ी, जो कि सफलता का एक सूचक माना जाने लगा। 1935 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने प्रांतों में जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनाने का कार्यक्रम तय किया। इन प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। कांग्रेस इन सब बातों को हितकारी नहीं समझती थी। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेकर प्रांतों में सरकार बनाई। यानी धीरे धीरे भारतीयों का प्रभुत्व अपने देश पर होने लगा था और अपने समाज में सुधार लाने के लिए वहाँ पर प्रयास किए जाने लगे थे, जिसकी वजह से भारत आज़ादी की ओर अपना कदम बढ़ाने लगा था। तो अगले अध्याय में हम इसके आगे का अंश पढ़ेंगे। क्लास फाइव के लिए सब्जेक्ट हमारा समाज, ये 20वां चैप्टर है जो कि हमारा आखिरी अध्याय है। नाम है स्वतंत्रता के संघर्ष में महात्मा गांधी का योगदान, पार्ट 3 है। इसके पहले हमने महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग कर लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त में विवरण प्राप्त किया था, फिर असहयोग आंदोलन के बारे में जाना। तो असहयोग आंदोलन में हमने जाना था कि साइमन कमीशन की एक संस्था गठन की गई थी, जिसमें किसी भी भारतवासियों को नहीं लिया गया था। यानी भारत के लोगों को, भारत की कठिनाइयों को जानने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जा रहा था और उसमें किसी भी भारतीयों को नहीं लिया गया था। इस वजह से इसका भी विरोध किया गया। दूसरा था सत्याग्रह आंदोलन, यानी सत्य के साथ आग्रह करके उनसे अपना हक लेना, तो ये भी किया गया। उसमें नौकरियों को, यानी विदेशी ब्रिटिश शासन के अधीन जो नौकरियां थी उस नौकरियों को लात मार दिया गया, यानी उस नौकरी से वे खुद हट गए। इस प्रकार से वहां पर आंदोलन करके हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उसके बाद था, जब ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो वो इसके पहले मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति छोटे छोटे भागों में हुआ था, लेकिन यहाँ पर चारों दिशाओं में हुआ था क्रांति, जो कि इस प्रकार से था। थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल गफ्फार। हाँ, अगर हम लोग टी डायग्राम के माध्यम से जानना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हुआ। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। हाँ, तो देखते हैं उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम के इलाकों में अब्दुल गफ्फार ने नेतृत्व किया। दूसरा था नागालैंड में, यानी करीब पूर्व की दिशा में रानी गदनलियो ने नेतृत्व किया था, और दक्षिण में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया था, और इन सब का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। यानी इस प्रकार से नेतृत्व करके, सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करके
भारत को आजादी की ओर आगे बढ़ाया जा रहा था। अब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया गया। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेज सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में जोड़ दिया। भारतीय नेताओं ने इसके विरोध में प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र दे दिया, जो कि इसके पहले हमने बताया था कि 1935 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने प्रांतों में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाने का कार्यक्रम तय किया था, तो इसी के अधीन प्रांत सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इसके साथ साथ अंग्रेजों से कहा गया कि वे भारत को छोड़कर तुरंत चले जाएं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उनका कहना था या तो हम आजादी लेंगे अथवा प्राण दे देंगे। अंग्रेजी सरकार ने नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। अत्याचार सह कर भी लोग साहस के साथ लड़ते रहे। भारत के क्रांतिकारी बलपूर्वक भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। आजादी प्राप्त करने के लिए वे खून बहाना भी उचित मानते थे। इन क्रांतिकारियों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि प्रमुख नाम थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माँ को सैनिक शक्ति से आजाद कराना चाहते थे। उन्होंने 1934 में आजाद हिंद फौज सेना का गठन किया था, किसने में 1934 में। और इसके साथ साथ उन्होंने किसने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1934 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, और इसके साथ साथ चलो दिल्ली का नारा भी उनके द्वारा दिया गया, और साथ ही जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने 1934 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज का लक्ष्य भारत को आजादी दिलाना था। चलो दिल्ली और जय हिंद नेताजी के मुख्य नारे थे। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ दी। अंग्रेज शासकों को अनुभव हो गया कि जन आंदोलन को अधिक समय तक दबाकर रखना सरल नहीं है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही, यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त जब हुआ, तो भारत की जनता ने स्वतंत्र सूर्य द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही अंग्रेजों ने भारत को मुक्त करने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की जनता ने स्वतंत्र सूर्य के दर्शन किए। भारत में अंग्रेजी शासन का अंत हो गया। अब हम भारत के स्वयं शासक बन गए, यानी हमारा भारतवर्ष जो कि अंग्रेजों के अधीन था 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। जाते हुए भी अंग्रेज भारतवासियों के मन में भेदभाव की दीवार खड़ी कर गए। वे फूट डालकर भारत को कमजोर करना चाहते थे। 1947 ईस्वी में धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बन गए, यानी वो चले तो गए लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर भी गए, और इसके साथ साथ उन्होंने भारत का विभाजन भी करा दिया, जो कि आज हम वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते भी हैं। पाकिस्तान धर्म पर आधारित राष्ट्र बना। भारत में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ साथ धर्म निरपेक्षता कायम की गई। हमारे देश में सभी धर्म वालों को समान स्थान दिया गया है। यानी जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो दो भागों में वो बट भी गया। अंग्रेजों के द्वारा उसे धर्म के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, जो कि एक बना पाकिस्तान जो कि मुसलमान यानी धर्म आधारित देश था, और हमारे देश में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है, और प्रश्न उसके अध्याय प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी।